हेलो दोस्तों, क्या आप मेरी तरह वीडियो बनाना चाहते हो तो टेक धर्मेंद्र को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे धर्मेंद्र भाई ने बनाया है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज। आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आप कैसे ये वीडियो बना सकते हो एकदम फ्री में, और जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी आप यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर सकते हो फ्री में। आपको कहीं पर भी पैसा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ गाइस, आपको इतना तो पता ही होगा, टेक्स्ट टू स्पीच आपको करने के लिए 11lab का यूज करना होगा। मतलब आप अपने टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए 11lab का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो वो तो अगर आपको नहीं करना आता तो कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही आपका ऑडियो बन के तैयार हो जाता है, अब आएंगे डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर पे। तो गाइज, हमें अब करेक्टर यूज करना है। तो करेक्टर डाउनलोड करने के लिए आपको आइडियोग्राम वेबसाइट पे आना है। ये एकदम फ्री वेबसाइट है, इस पे आपको पैसे वगैरह कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको ओपन करोगे, आपको साइन अप वगैरह गूगल अकाउंट से कर लेना है, एकदम फ्री है, कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देना, जैसे कि आपको जैसा इमेज बनाना है वैसा यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20-year-old बॉय सिट ऑन द राउंड चेयर, बैकग्राउंड शुड बी लाइट एंड PNG। ठीक है, तो हम मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। देन यहाँ पर आपको रेसो में आपको 16:9 का यहाँ पे रेसो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा और इसके बाद में हमें यहाँ पे ये आपका करेक्टर जैसे आपने वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने फ़ोटो जनरेट होके आ चुकी हैं। आपको जिस फ़ोटो को यहाँ पे लेना है, जिससे आपको वीडियो बनानी है, तो उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं फ़ोटो यहाँ पे ये वाली ले लेता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में ये डाउनलोड हो जाएगी। तो आपके पास करेक्टर भी ऑडियो भी, तो दोनों को मर्ज करना है। तो अब हमें AI वीडियो बनानी है। तो AI वीडियो बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करना है, जिसका नाम है टॉकिंग हेड्स। तो जैसे आप टॉकिंग हेड्स को यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो जनरेट टॉकिंग हेड्स पे आपको क्लिक कर देना, ये जो येलो कलर का बटन आ रहा है, तो आपके सामने स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। तो इसमें आपको एक फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना अपलोड अवन फ़ोटो। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जो अभी आपने डाउनलोड किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हो जाता है, आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने स्टेप 2 ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है और ऑडियो पे क्लिक के बाद यहाँ पे अपलोड अवन ऑडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये आपको आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे मीडिया पिकर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मीडिया पिकर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस कुछ इस टाइप का आएगा। आपके सामने सबसे पहले ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके ऑडियो पे क्लिक करना है और सर्च में आपको सर्च करना है, ध्यान से देखना। अगर आपने 11lab से आपको ऑडियो को जनरेट किया है तो आपको यहाँ पे ELE यहाँ पे सर्च करना है और सबसे नीचे आ जाना है। जो वीडियो आपने ऑडियो रिसेंटली डाउनलोड की हुई है वो नीचे आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये जैसे अपलोड हो जाती है, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पर चूज करना रहेगा, डिफ़ॉल्ट अवतार। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे ही कर देता हूँ, जनरेट टॉकिंग हेड पे अब आपको क्लिक कर देना और आपकी वीडियो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद में हम हमारी वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वीडियो जनरेट होके आ जाती है, आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और ये हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले इस वीडियो को दिखा देता हूँ कि ये कैसी वीडियो डाउनलोड हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं प्ले पे, हेलो दोस्तों, इस चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बैड है और इसके ऊपर वाटरमार्क आया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के वाटरमार्क को यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं। तो रिमूव करेंगे, सबसे पहले आपको इसको वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। आप या तो VN ले सकते हो या इंसॉर्ट ले सकते हो। तो मैं आपके सामने यहाँ पे इंसॉर्ट एप्लीकेशन को ले लेता हूँ और इससे आपको इसका वाटरमार्क रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस वीडियो को अभी सेलेक्ट कर लेना जो अभी आपने टॉकी हेड से बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप कैनवास में जाना है
और कैनवास में जाने के बाद यहाँ पे 9:16 का यहाँ पे रेशो सेलेक्ट करना है, 69 का रेशो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डन कर देना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक PIP इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे PIP पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे वही फ़ोटो अपलोड करना है जिससे आपने वीडियो बनाई थी। तो ये फ़ोटो है जिससे मैंने वीडियो बनाई हुई थी। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसको लास्ट तक करने है जहाँ तक ये वीडियो है। और गाइज अब हमें इसके मास्क वाले ऑप्शन पर आना है और क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर इतना यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो आपको इतना यहाँ पे कर देना है, इतना जैसे कि ये इतना बंद हो जाना चाहिए वाटरमार्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे अगेन करेंगे, यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है। तो यहाँ पर मास्क पे फिर से जाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे और कर देंगे जिससे कि ये दिखे ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया और यहाँ पर डन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है अभी हमारी वीडियो को, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके गाइस, तो हमारी वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पर वर्क भी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ पे सेव पे 1080 पे सेव कर लेंगे। अब इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और वेबसाइट का लिंक आपको जो जितनी वेबसाइट इस वीडियो में बताई हुई है सारी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो ओपन जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आपको BeMake यहाँ पे सर्च करना है। तो BeMake जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे BeMake AI वीडियो इनहेंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये ओपन होता है तो यहाँ पे अपलोड वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है, ऊपर अपलोड वीडियो वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, मीडिया पिकर पे क्लिक करना है और यहाँ पर वो वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना जो अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, ठीक है, जिसको मैंने अभी जिसका वाटरमार्क रिमूव किया था। तो रिसेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको इंसर्ट, यहाँ पे जो वीडियो इंसर्ट से मैंने अभी बनाया हुआ है इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये जैसे अपलोड हो जाएगा और इन्हेंस होने के बाद इसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो गाइस जैसे वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है तो यहाँ पर ऑलरेडी परचेस्ड यहाँ पे जो पिक्सल्स यहाँ पे दिए हुए इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब। तो गाइस इस तरीके से आप काफ़ी सारी वीडियोज बना सकते हो और अपने किसी भी अकाउंट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को ग्रो कर सकते हो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।